Hey guys, welcome back to my channel. Well, today in this video, we are gonna learn how can we use these sentences in English. This is very useful structure. I hope you will enjoy this lesson. So let's get started today's lesson. First, मैं आपको sentences read करके सुनाता हूँ. कहीं film शुरू ना हो गया हो, कहीं उसका शादी ना हो गया हो. इस sentence को हम लोग ऐसे ही बोलते हैं. कहीं ऐसा ना हो कि मेरा mobile खराब हो गया हो. कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी पापा घर आ गए हो. तो सेंटेंसेस भले ही अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं हिंदी में, बट अगर इस तरीके का सेंस हो, कहीं ऐसा ना हो या कहीं, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं लेस्ट का. लेकिन यहाँ पर आप रुक जाइए, बाद वाला जो सेंटेंस है ना वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस को बोलना हो, आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले सेंटेंसेस को, वो तो बहुत आसान है. लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट है. तो आइए स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं. तो सबसे पहले राइट करना पड़ेगा आपको सेंटेंस. यदि आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं ना तो सेंटेंस बोलिए, नहीं बोलिएगा तो सेंटेंस लिखना जरूरी नहीं है. उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा लेस्ट. और याद रखिएगा, लेस्ट वाले सेंटेंस में हमेशा सूड आता है. तो अब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में शुड का यूज कैसे करें, तो वही हम लोग सीखने वाले हैं. तो लेस्ट के लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे कोई सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को लगाने के बाद लगाएंगे शुड हैव. तो शुड के साथ हैव, सिर्फ यहाँ शुड आ जाएगा. उसके बाद वाला स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स. बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखिए. तो आज का पहला सेंटेंस है, कहीं फिल्म शुरू ना हो गया हो, या कहीं ऐसा ना हो कि फिल्म शुरू हो गया हो. तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लेस्ट द फिल्म शुड हैव स्टार्टेड. आप यहाँ पर मूवी भी लगा सकते हैं और स्टार्टेड की जगह बिगन भी लगा सकते हैं. लेस्ट द मूवी शुड हैव बिगन. नेक्स्ट सेंटेंस, कहीं उसका शादी ना हो गया हो, या कहीं ऐसा ना हो कि उसका शादी हो गया हो या उसने शादी कर ली हो. तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लेस्ट ही शुड हैव got married. Lest he should have got married. Next sentence, कहीं मेरा मोबाइल खराब ना हो गया हो, या कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मोबाइल खराब हो गया हो. मान के लिए आपका मोबाइल कहीं गिर गया, तो बोलते हैं ना कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मोबाइल खराब हो गया हो. तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे Lest my mobile should have got out of order. Lest my mobile should have got out of order. Next sentence, कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी पापा घर आ गए हो, या कहीं मम्मी पापा घर आ ना गए हो. तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लेस्ट माई पेरेंट्स शुड हैव कम होम. लेस्ट माई पेरेंट्स शुड हैव कम होम. यहाँ पर माई लगाया क्योंकि मैंने अपने मॉम एंड डैड के बारे में बताया. हे गाइज, रिलेटेड दिस स्ट्रक्चर आई एम गिविंग योर सेंटेंस, सो प्लीज ट्रांसलेट एंड राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, बाय बाय.